अच्छा वो सिंगोड़े की खेती हो रही है, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। क्या भाव दिए? 40। अच्छा सिंगोड़ा ऐसा होता है दो दो जड़ों से निकलता है क्या? नहीं ये तो मूंछ है इसकी है। तो आप कैसे लाते हो इनके अंदर भर भर के? ये नाव है क्या? अच्छा तो मैं सिंगोड़े का पौधा देख सकता हूँ, कहाँ मिलेगा देखने के लिए? अच्छा यही है। तो ये पानी के अंदर होता है, मतलब सीधा पानी में ही, मिट्टी में नहीं होता? नीचे मिट्टी में जाता है, कीचड़ में। कीचड़ में? अच्छा इसकी खेती होती है क्या एक तरह से? आप उगाते हो या अपने आप उगते हैं? तो अच्छा पक्के पक्के सिंगोड़े देते हो, उनको पानी में ऐसे फेंक देते हो? अच्छा तो आप तो इसको लेके कहाँ जा रहे हो? मंडी में? अच्छा ये गाड़ी भर के मंडी जाएगी? अच्छा कौन सी मंडी? पक गए शायद है? नहीं पके। क्या करने बाकी है? उबालने बाकी है? ठीक है, मीठे लग रहे हैं यार, खराब कहाँ है तो सही है। आप कह रहे उबालेंगे, उबालेंगे क्यों? उबालने के बाद अच्छा अच्छा टेस्ट और ज्यादा अच्छा बनेगा उबालने के बाद, और छीलने में आसानी होगी। तो आपको ऐसे पता कैसे चलता है कि ये खेत इसका है, ये खेत मेरा है? इसमें एक आदमी का ये पूरा पांच जना की, तो जो प्रॉफिट होता है 500 मिल के बांट के करते हैं। अच्छा ऐसे तो नहीं है कि पानी के अंदर ये मेरा ये तेरा, पानी इधर चला गया तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं। अच्छा ये गांव कौन सा है? हैं? नियाना। नियाना एक नाव में कितने आदमी बैठ सकते हैं? नहीं ज्यादा, एक ही बैठ सकता है? अब मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, नजदीक जाऊंगा तब? नहीं नहीं यहाँ से बैठेंगे तो धीरे चलेगी। हम सिंगोड़े तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है? जाओ सिंगोड़े तोड़ने। आप तोड़ के ले? चलो अभी हम जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? एक मिनट रुकना। आजा सी आजा सी ले। अरे पानी आ रहा है इसके अंदर तो। अच्छा आगे किसको? सीधे बैठ जाओ, डूब जाओगे। अरे मुझे तैरना नहीं आता है। इसके नजदीक नजदीक न चलो, आगे से। बाय बाय। नो 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 नो। दोस्तों सिया कह रही है कि मैं भी नाव में बैठूंगी, पापा अकेले क्यों बैठ गए, मुझे भी बैठाते। लेकिन नाव ही कुछ ऐसी है कि पापा को भी ठीक से बैठना नहीं आ रहा है, बैलेंस बनाना पड़ रहा है। ओ अब है ना, इसके पास पास में ले लो भैया। जी आऊँ मैं, आऊँ पाँच आऊँ बिना आऊँ? ओ आप एक ही बैठते हो गए इसमें है? आज तो बड़ी रिस्क उठा ली दोस्तों। साल से बैठ, साल बैठ। बस हिलूंगा नहीं, एकदम सीधा बैठा हूँ। क्या नाम है आपका? ललित। मतलब सिंगोड़े का जो काम है वो बहुत मुश्किल भरा है। बीकानेर से हम तो रेगिस्तान से हैं, पानी पूनी कमी देखा हुआ है, ना तैरना आता है भाई। दोस्तों मुझे है ना इसमें बैलेंस पूरा बनाना पड़ रहा है। टूर पे आया मतलब? हाँ टूर पे। नाव थोड़ी सी इधर की उधर हो गई तो गई। मैंने ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हादसे नहीं होते कभी आपके साथ के डूब गया कोई, ऐसा तो नहीं होता? ठीक। तो और दोस्तों ये तो चलो मैं ठीक, एक नीचे टकरा गया कुछ, पानी कम है, थोड़ा सा पानी में ले लो, कोई बात नहीं। दोस्तों आज जो है ना वो
आज पूरा पूरा बैलेंस का मेरा परीक्षण है कि मैं कितना खिलता डोलता हूँ। ज्यादा है पानी डोलने लगी भैया, तो अकेले तोड़ते हो ना आप, जैसे जैसे ज्यादा पानी आया ना तो अब जो है वो ऐसे लग रहा है ये नूटल हो गई है नाव जो है वो हल्का सा इधर उधर होते ही जल्दी से अंदर जा रही है। कभी पलटती है आपके यहाँ नाव? नहीं पलटती। अच्छा वही साइकिल मोटरसाइकिल वाली बात है। तो चलाना आता है शुरू शुरू में तो पड़ती होगी किसी की? नहीं पड़ती। मैं तो इस साल तोड़ने लगा हूं। आप थोड़ा इस साइड में ले लो, मैं क्या है कि वापस जाते टाइम ऊपर ऊपर चला जाऊंगा। हाँ वाकई में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगा एक्सपीरियंस मुझे इसका। एक्चुअली है क्या, ये बस बैलेंस बनाए रखो और चलते रहो, बैलेंस गया आप गए। ये आ गए सिंगाड़े। हाँ यार इसमें पता कैसे चलता है, एक्चुअली साथ में वो भी है मुझे लग रहा है। क्या चीज होती है वो? कमल का फूल। अच्छा ये सिंगाड़े का पौधा है, ये सिंगाड़े का है। आप कैसे तोड़ते हो मुझे तोड़ के बताओ। थोड़ा तोड़ेंगे, बड़े आने ही तोड़े। अच्छा बड़े आएंगे, छोटे हैं? छोटे हैं, ये देखो। अच्छा तोड़ के, अच्छा पीछे डालते रहते हो? ऐसे पीछे डालते रहते हैं, बस दिन भर यही काम है। पूरे दिन? पूरे दिन। और ये ऐसे पानी के अंदर होते हैं? दस से बेल होती है नीचे। हाँ हाँ नीचे तक पत्र रहती है ये पानी। अच्छा ये हर जगह ऐसे ही होते हैं सिंगाड़े पानी में। ये देखिए दोस्तों बस वो जो कच्चा खाते हैं ना। हाँ हाँ वो दूसरे सिंगाड़े होते हैं। अच्छा जो कच्चे खाते हैं वो दूसरे होते हैं, ये पका के खाने के हैं पानी में उबाल के, मतलब नाखूनों से नीचे दूसरे होते हैं वो भी होते। तो ऐसे पानी में ही है क्या? पानी में होते हैं सिंगाड़े सब। अच्छा मैंने ना मुझे पहले पता नहीं था, मैं सोचता था पानी में तो नहीं जमीन के अंदर होते हैं। नहीं नहीं पानी में होते हैं। अच्छा तो इसकी सबसे ज्यादा जबरदस्त खेती कहाँ होती है सिंगाड़े की? इसी एरिया में होती है ज्यादा। राजस्थान में तो इसी में होती होगी? भोपाल साइड पे होती है। अच्छा ये मैंने मूंछ वाले है ना पहली बार देखे हैं। झालावाड़ की तरह। क्या बोलते हो आप इसको, मूंछ या दाढ़ी? कौन सी? इसको साइड कांटा होता है, कांटा बोलते हैं। अच्छा इसमें लगता कहाँ है सिंगाड़ा? ये लग रहा है ना, ये ऊपर ही लगता है, नीचे नहीं लगता ज्यादा? ऊपर ही लगता है। बस नीचे क्या चीज है फिर? ये तो वो जैसे तना होता है ना पेड़ का। हाँ हाँ दिखाना कितना बड़ा है तना इसका। बहुत बड़ा है, नीचे तक टच हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, फिर जमीन के अंदर जा रहा है? अंदर जा रहा है। इतना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है ना पानी की। हाँ हाँ वैसे वैसे बढ़ जाता है ये भी। अच्छा तोड़ रहे हो किसका? हाँ हाँ लगभग रुत गई क्या इसकी? नहीं नहीं तोड़ स्टार्टिंग है। अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ। और लगते रहेंगे जैसे जिस पेड़ के आपने पौधे के तोड़ लिए? हाँ, बिल्कुल लगते हैं। ये छोटे छोटे है ना ये। हाँ, ये छोटे छोटे सिंगाड़े है ये। कहाँ पर दिखाना, एक सेकंड मुझे बारीकी से दिखाओ। ये सिंगाड़े छोटे, एक सेकंड, ये सिंगाड़ा है? सिंगाड़े। अच्छा ये मुझे भी मिल गया, ये रहा। ये आपके ज्यादा इसमें लाल ही लाल लग रहे हैं। नीले भी है ना? नीले भी है, लाल भी, ज्यादा नीले हैं कि लाल? दोनों ही बराबर ही, इस साइड में नीले लाल है। हाँ हाँ साइड में नीले है। नीले और लाल का बीज अलग अलग होता होगा? नहीं अलग अलग होता है। ओ इसको तो अगर खींचू ना मैं रस्सी तो बहुत गहरी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपने कब कौन से टाइम में इसको बोया था? बरसात के बाद। बरसात के? बरसात का सीजन स्टार्ट होता है ना, जैसे ही तालाब में पानी भरना शुरू है आपने बो दिया? बो दिया। अच्छा मतलब बीच की क्या है पैदावार, कहीं बाहर जहाँ पे पानी रहता है ना, मतलब हाँ। 12 महीने हाँ हाँ वहाँ पे होती है पैदावार बीज। ये क्या चीज़ है फिर? इसके है ना सिंगाड़े की है। क्या चीज़ ये, इसके अंदर अभी फूट के बनेगा कुछ? कुछ भी नहीं है, बस जैसे पत्ते आते हैं ना। अच्छा अच्छा पत्ते की टहनी है ये तो, इसलिए इसे मोटा मोटा दिख रहा है। और इसमें पानी भी भरा हुआ है? पानी तो रहता है ना, पानी की चीज़ है ना। तो ये सिंगाड़ा खाना स्वास्थ्य के लिए इसीलिए अच्छा रहता है जो पानी में से आता है। प्यास कम लगती है इनको खाने से। इसको खाने से, सिंगाड़े को खाने से? हाँ। क्या बात है, कच्चा खाओगे ना तो प्यास कम लगेगी। अभी जैसे मैं खा के चेक करूं? हाँ। दोस्तों जिंदगी में मैं पहले कभी इस तरह से सिंगाड़े की खेती नहीं देखी और ना सिंगाड़ा निकालते हुए देखा। तू चटेगी? दोस्तों सिया कह रही है मैं चढ़ूंगा।
तू चढ़ना सोच दे छोड़ दे तू यहाँ सोच पापा से तेरे को बचा बारा दे आप कितने दिन में कितने टाइम में तोड़ लेते हो सिंगाड़े 15 दिन बाद ये ट्रोल नहीं नहीं ये ट्रॉली जैसी है आपकी क्या बोलते हैं इसको नाव नाव छोटी वाली नाव है छोटी नाव ये भरने में कितना टाइम लगता है जैसे अभी आए तो एक घंटा दो घंटा ऐसे नहीं सुबह से शाम हो जाती है हैं सुबह से शाम कितने क्विंटल आता है इसमें 10 को आते हैं ना 10 बजे सवेरे तो शाम को 5 के समथिंग निकलते हैं बाहर अच्छा इसमें एक क्विंटल के समथिंग और बाजार में जब बेचने जाओगे आप अभी बोली लगेगी हाँ भाव क्या मिलेंगे ये क्या है आपने दिया कच्चे तोल रहे हैं 40 के अच्छा तो यहाँ कोई कस्टमर है वो यहाँ आके लेने के लिए कच्चे जैसे हाँ यहाँ से ले जाएगा वो 40 में ले जाएगा नहीं जैसे बोली क्या रेट लगती है आगे अंदर मान लो लेके तो मार्केट के अनुसार लगते हैं मार्केट में ज्यादा चलती रहती है तो भी आइडिया से 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए मार्केट में तो क्या है उबाल के बेचते हैं इनको अच्छा। उबाल के वो काटने के आते हैं अच्छा तो इधर से भी कटता है यहाँ से हाँ। इधर से भी कटता है अच्छा किधर से दिखाना ये दोनों कांटे कटते हैं मतलब इस साइड से इस साइड से अच्छा ठीक है ना तभी मैंने देखते हैं ऐसे लगा मार्केट वाले थोड़े से अलग होते हैं तो उबाल के बेचते हैं तो बेचते कम से कम 20 के पाव 25 के पाव अच्छा वो तो ज्यादा महंगे बेचते हैं और उसके बाद इसे मार्केट में अगर ये चीज ज्यादा आ जाती है दिनों दिन इसका क्या है भाव भी गिरता है हाँ गिरता है घटता रहता है दोस्तों मैं जब आया था तब डर रहा था कि भाई अब गिरा कब गिरा नहीं लेकिन गिरा नहीं अब जो अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं गिरेंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस काम का नहीं होता वैसे अच्छा ये रास्ता बना हुआ जो दिख रहा था मुझे ऐसे पता नहीं था कि इसी चीज़ का है हाँ। ये रास्ता बन जाता है वो अभी क्या है नाव निकाल के ले गए ना तो वो रास्ता बन तो आप नाव की फिर लाइन जाती होगी लाइन ही जाती है पूरी एक लाइन बना के और कितने घर परिवार लगे हुए हैं आपके यहाँ पर यहाँ पे अपने 5 पार्टनर है इसमें 5 पार्टनर है अच्छा ठीक है ना वो 15 व्यक्ति आते हैं तोड़ने के लिए 15 व्यक्ति आते हैं अच्छा हमारी कास्ट में जो मतलब बच्चा पैदल चलने लग जाता है ना आपकी कास्ट में हाँ उसको भी तैरना आता है आपकी कौन सी कास्ट है कश्यप केवट केवट हाँ अच्छा वही राम जी को जो पार करवाई है तो दोस्तों आज हम केवट की नाव में खेती करते हैं अच्छा इसके अलावा जरूरी नहीं सिंगाड़े की खेती करो सभी प्रकार की खेती करते हैं अच्छा पर केवट जो जाती है मुझे लगता है पानी से रिलेटेड काम ज्यादा करती होगी पहले तो ज्यादातर पानी पानी से रिलेटेड ही कर दी अब क्या है थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया ना अच्छा ये नाव कितने रुपए की बनवाते हो आप 4000 रुपये 4000 रुपये की लकड़ी किस चीज़ की पता नहीं है तो ठीक ही ना पर ये जो पानी भर सकता है इसमें आराम से बिल्कुल से बाय बाय अपन अभी चल रहे हैं ना हाँ। इस जगह पर थे क्या सिंगाड़े पहले क्या बोए नहीं यहाँ बोए नहीं ना क्यों क्या है ये अभी इस साल क्या है बरसात ज्यादा हुई ना हाँ इस वजह से यहाँ पानी रहता है पानी है इस वजह से अच्छा। यहाँ सूखा रहता है अगर अच्छा। कम बरसात होती है तो यहाँ पे पानी नहीं रहता वहाँ तक ही रहता है पानी अच्छा जिस हिसाब से वहाँ तक ही लगा है अच्छा आपको आइडिया नहीं था कि पानी यहाँ तक भी रहेगा हाँ इसकी बरसात नहीं होती थी ना नहीं तो आप लगाते हाँ बिल्कुल लगाते अगर आइडिया और पानी कितना आता है तब लगाते हैं सूखे में लगाते हैं नहीं नहीं जैसे बेल के लाइक पानी हो जाए घुटने तक घुटने तक पानी तो उसमें ऐसे फेंक देते हैं सीधा ही फेंक देते हैं या फिर बेल आती है हाँ। जो सिंगाड़े की तरह होती है हाँ। उसको लगाते हैं नीचे गाड़नी पड़ती है अच्छा उस बेल को नीचे जमीन में गाड़नी पड़ती है तो पानी घुटने तक होगा तो कैसे हाथ लेके जाएगा कोई तो पत्थर रखने पड़ते हैं उसमें अच्छा पत्थर पेड़ से दबाना पड़ता है लेकिन जमीन के टच होनी जरूरी है जरूरी है ये बहुत मुश्किल वाला काम है मतलब घुटने तक नीचे आप उस पौध को घुटने तक नहीं ये पानी रहता है ना गर्दन तक उसमें भी लगाते हैं गर्दन तक पानी में तो फिर चुप्पी मार मार के लगाते हो वो पौध लगानी पड़ती है और ये जो पौधे होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 1 फीट 2 फीट या कम होती है इसकी 2-3 फीट मान अच्छा दोस्तों ये देखिए ये छोटी सी ट्रॉली दो तो आप शायद ही बैठते होंगे कभी ये तो मैं आ गया तब आप बैठा रहे हो अच्छा 3 दिन में बैठते हो ये संतुलन का फर्क पड़ता है आपके क्या है फर्स्ट टाइम बैठे हाँ
ये तो पानी में डूब गई आपकी नाव तो। अच्छा डुबो दिया इनको, क्यों डुबो के जाते हैं? डुबो के क्यों जाते हैं? चली जाए दूर। अच्छा आज है ना, मैंने जिंदगी में पहली बार इसकी खेती देखी है और बहुत अच्छा लगा है। आप सभी केवट हो गए? लेट हो गया मामा। कैसे? अच्छा एक बोरी कितने किलो की होगी? 38 हुई है ये तो, पर 40 मान लो एवरेज है। और अभी कहाँ जाएगी ये गाड़ी? चलावाड़ जाएगी। कब बिकेगी? कब? शाम को बिक जाएगी। हाँ छोड़ाएंगे। घर कहाँ है आपका? हाँ छोड़ाएंगे। कैसे काटे? चक्कू से काट ले तो इसको गर्म करने की जरूरत है, सीधा ही खा ले। उबाल के खाओगे अच्छा रहेगा। मीठा लगेगा? नहीं मीठा भी लगेगा, और कोई खांसी वांसी नहीं होती, कच्चे खाने से खांसी होती है। अच्छा अच्छा रहता है। कागी कागी भंडी की माँ सिया सिंगोड़ा कागी, सिया सिंगोड़ा कागी ले लो आंटी जी। किसको देने? सिंगोड़े के नहीं, ये सिंगोड़े के नहीं है, अपन घूम गए है ना, ये गिफ्ट है। तो एक मिनट चल गिफ्ट दे रहे, कोई बात नहीं। ये हमारी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट, शुभ जर्नी की तरफ से। ये यूट्यूब पर चैनल है शुभ जर्नी, इसी तरह का लोगो है। बाकी रोज वो आपको बाइक से छोड़ते हैं 2-3 चक्कर में। दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, केवट जी जो है इनके घर पे जा रहे हैं, इनको घर पे छोड़ने जा रहे हैं। वो नाव में लेके गए तो उनको थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो 2-3 चक्कर से बाइक से छोड़ देते। दोस्तों अब इनको हम जो है जैसे वो बता रहे थे वैसे उबालेंगे। हाथ लगाओ। हाथ लगाऊं? अरे वाह, हम तो कांटे बोल रहे थे ना, मैं तो सीधा इनको ऐसे ही कर रहा था, ऐसे मोड़ रहा था कांटे। अरे इनके बीच बीच में और ये देखो दोस्तों, ये तो मैंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया, एकदम कड़क है, जैसे कीकर का बबूल का होता है ना, ठीक उस तरह का। ये तो तभी वो काट के देते हैं देते हैं। ये एक अच्छा है, ये ऐसे काटते हैं। अभी हम काटें तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बोला था कि इनको ऐसे कांटों को काटना है और फिर थोड़ा सा उबालना है। तो ये कांटे हम साइड में कर रहे हैं और इनको उबाल के फिर खाएंगे। कांटा है काम? ये तो सिया, ये वो है सिंगोड़ा, और सिंगोड़ा का ये कांटा है बेटा, ये कांटा है छोटा, और ये सिंगोड़ा। सिंगोड़ा और दे सिया, ले और ले सिंगोड़ा। दोस्तों अभी इनको धो करके और फिर गर्म पानी में गर्म करेंगे। इसलिए एक चेक कर रहे हैं, हल्का सा उबालना है, चेक कर रहे हैं। एकदम अंदर तक गर्म हो गया। एक्चुअली दोस्तों हमने क्या किया, पहले छील करके फिर उबाल रहे हैं, हमें लगता है हमने गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले इनको उबालना चाहिए था फिर छीलना चाहिए था। अब हुआ क्या है, ये जो छीलने की वजह से साइड में इनके पार्ट हो गए, इनसे मिठास तो निकल रहा है और गंदगी इनके अंदर जा रही है। अभी दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा इनको उबाल रहे हैं, थोड़े से अभी कड़क है, पूरी तरह से शायद उबले नहीं है जितना कि इनको उबाला जाना चाहिए था। दोस्तों ये दूसरे पार्ट में हमने जो उबाले हैं ये वाले हैं, थोड़ा इनको ज्यादा देर तक उबाला है।
ये कम उबले हुए का छिलका भी बहुत कड़क था, चाकू से मैं काट रहा था तो लग गई थोड़ी सी। ये दोस्तों ज़्यादा देर तक उबालें, शायद ये इतना कड़क नहीं होगा, क्या पता। कड़क है, हाथ चल रहा है यार। कड़क नहीं। इनको आलू या शकरकंदी की तरह जितना उबालना है, तो उबलने के बाद में उनका स्वाद भी फिर अलग हो जाएगा। तो दोबारा वाले हमने काफ़ी ज़्यादा उबाले हैं, समझ लीजिए लगभग आलू की तरह हमने उबाले हैं इनको। अभी देखिए स्वाद तो लग रहा है, बताऊं कैसा। सिंगोड़े घाटे की खीर खाते हैं अपन, ठीक वैसा ही स्वाद आ रहा है। वो भी खीर भी तो उबाल के ही बनाते हैं हम, ठीक वैसा स्वाद आ रहा है। अब अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत स्वाद है। पहले वाले हमने कम उबाले थे, अभी ये छिलने में कैसे हैं, कड़क है वैसे ही है। वैसे ही। अब इसको पूछते हैं कैसा लगा। कच्चा वाला है मेरा। कच्चा वाला है, कच्चा ही अच्छा लग रहा है। क्यों दोस्तों, अगर स्वाद के हिसाब से देखें तो बिना उबले हुए जो है वो मीठे आपको ज़्यादा लगेंगे, उबले हुए वो अलग तरह का स्वाद आएगा, जैसे कि सिंगाड़े के आटे की खीर का होता है उसी तरह से। बाकी पोषक तत्वों की बात करें तो बिना उबाले हुए कच्चे फल होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा जितने पोषक तत्व होते हैं हम सब सारे के सारे हमें मिलते हैं, और उबालने के बाद में उनके कुछ पोषक तत्व जो नष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से हमने उबाले हैं, और धीरे धीरे हम क्या है कि प्रयोग करते करते सही दिशा की तरफ ही बढ़ रहे हैं शायद। रुक 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 रुक। दोस्तों इनको छीलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, पूरी तरह से उबलने के बाद में आप आसानी से छील सकते हैं। देखिए मैं हाथ से एक हाथ से कैसे छील रहा हूँ। एक्चुअली शुरू शुरू में हमारे ये प्रयोग थे, ये छील दिया और एक हाथ से सारे के सारे, ये तो नहीं है, ये जैसे कि मैं ये छील रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम लोकेश सुमन है, ग्राम बडोरा तहसील अटरू जिला बारा है। मुझे सुप जर्नी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर।